राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ओके, मतलब एक आपको एरे दिया जा रहा है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, उसमें से आपको सबसे लार्जेस्ट वाला प्रिंट कराना है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन का मतलब समझो, एक एरे है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं आपके, मान लीजिए क्या है, 2 है, 7 है, 5 है, 3 है, -7 है, 11 है एंड 9। ये एरे है आपका। क्या कह रहा है, इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है वही आपको निकालना है। वैसे देख के तो लग रहा है कि आप तुरंत बता देंगे कि 11 सबसे बड़ा है, ठीक है, यही सबसे लार्जेस्ट है और यही प्रिंट कराना है। ओके, लेकिन इसका प्रोग्राम बनाना है, क्या कह रहा है कि एक एरे में से, ठीक है, आपको सबसे लार्जेस्ट निकालना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, कैसे लार्जेस्ट निकलता है। ओके, अब ऐसे समझिए कि जनरल लाइफ में जैसे हम लोग लार्जेस्ट निकालते हैं, सपोज आपके पास कई सारे बॉल्स रखे गए हैं, ओके, कई सारे बॉल्स रखे गए हैं, और इन कई सारे बॉल्स जो रखे गए हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला आपको उठाना है। ओके, क्या कह रहा है, क्योंकि पहले एरे की बात छोड़ देते हैं, पहले एक जनरल लाइफ में सोचते हैं कि हम कैसे लार्जेस्ट निकालते होंगे। ओके, क्या कह रहा है कि सपोज आपके पास कई सारे बॉल्स हैं, ये ओके, आपको क्या करना है, इसमें से जो सबसे बड़ा वाला बॉल होगा, ठीक है, उसको हाथ में ले लेना है। ओके, कैसे निकालते होंगे, ठीक है, ये चीज समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि पहले वाले को, ठीक है, हाथ में रख लीजिएगा। ओके, क्या कहा कि पहले वाले बॉल को, ठीक है, सबसे पहले हाथ में रख लीजिएगा। ओके, अब जरूरी थोड़े कि यही बड़ा हो, ठीक है, अब कैसे सबसे बड़ा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो अब जो हाथ में तुमने रखा हुआ है, ठीक है, अगले वाले से कंपेयर कराओ उसे, इस हाथ को आगे मूव कराओ, ठीक है, और अगले वाले के पास ले जाओ हाथ को, और क्या देखो, ठीक है, क्या ये जो बॉल नीचे रखा गया है, ठीक है, क्या इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे तुरंत, ठीक है, इस जो पहले से इसके अंदर उसे छोड़ दोगे और नया वाला उठा लोगे। कॉन्सेप्ट समझो कि कई सारे बॉल रखे गए हैं, ठीक है, आपने क्या कहा कि मुझे उसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला निकालना है, आपने कहा कि मैं पहले वाले बॉल को पहले हाथ में ले ले रहा हूं, अब एक एक करके नेक्स्ट बॉल से कंपेयर कराते जाऊंगा, अगले बॉल के पास ले जाऊंगा अपना हाथ, ठीक है, देखूंगा क्या वो वाला बॉल इससे बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो इसे छोड़ के तुरंत उसे उठा लूंगा। ओके, क्या कहा कि इस हाथ से इसको कंपेयर करा, अगर ये बड़ा है तो तुरंत हाथ में चला जाए, अगर नहीं है बड़ा, ठीक है, तब ये हाथ आगे मूव करता रहे। ये मान लो अगर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब तब मत उठाना, आगे बढ़ जाना, अब इसको इससे कंपेयर कराऊंगा, क्या ये बड़ा है, ओके, अगर बड़ा होगा तो तुरंत हाथ में ये वाला चला जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट ऐसे ही आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा लास्ट में सबसे बड़ा वाला हाथ में चला जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब इस बॉल का नाम दे दे रहा हूं मैं। ओके, इस बॉल का नाम है, मान लो पहले वाले का नाम A0 है, पहले वाले बॉल का नाम है A0, अगले वाले का A1। तो सबसे पहला काम क्या कहा कि H जो हाथ है उसमें पहला बॉल रख लिया जाए। हाथ में क्या रख लिया मैंने, A0 रख लिया। ओके, A0 रख लिया मैंने, अब कहा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस हाथ को आगे ले जाऊंगा, किसके पास ले जाऊंगा, अगले बॉल के पास जिसका नाम क्या है, A1, इस हाथ के पास ले जा रहा हूं। ओके, ये गया इसके पास, अब ये अगर बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये तुरंत किस में चला जाएगा, हाथ में चला जाएगा, मतलब पुराना वाला छोड़ के नया वाला उठा लूंगा। तो वही है, अगर A1 किससे बड़ा हो, जो हाथ में अगर उससे बड़ा है, इफ A1 इज ग्रेटर देन H, तो क्या करना है, अगर बड़ा है तो जो हाथ में पुराना वाला उसे छोड़ना और नया वाला किस में रख लेना, हाथ में रख लेना, A1 में रख लूंगा। A1 चला गया, फिर यही काम आगे, फिर से आगे बढ़ूंगा, अब किसके पास जाऊंगा, A2, ठीक है, अगर A2 अगर H से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब हाथ में कौन चला जाएगा, A2, अगर नहीं बड़ा है तो I++ किया होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, I++ किया होगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा, ये चीज है।
कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आप क्या करिए, एक एरे है उसके सारे एलिमेंट्स को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद, आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट को हाथ में रख लेना है। ये सबसे पहले वाले एलिमेंट को हाथ में रख लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाना, ठीक है, क्या चेक करते जाना, क्यों, क्या आगे वाला उससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो तुरंत हाथ में रखते जाना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पहली बार A1, फिर अगली बार A2, A3, A4। तो शॉर्टकट में क्या कर सकता हूं, सिंपली A1, A2, A3 से अच्छा है क्या मान ले रहा हूं मैं, AI। इफ AI इज ग्रेटर देन H, अगर AI H से बड़ा है, ओके, तो H में कौन सा चीज चला जाएगा, नया वाला AI चला जाएगा। देखिए ये A1, A2, A3, A4 वही वैल्यू है, ओके, तो उसकी जगह सिंपली मैंने क्या मान लिया है, AI मान लिया, ओके। चलो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है प्रोग्राम, क्या है, H नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैंने पहला वाला स्टोर कर लिया, H में A0 चला गया। अब कहा इफ A1 इज ग्रेटर देन H, अगर A1 H से बड़ा है तो H में कौन चला जाएगा, A1 चला जाएगा, ओके, A1 चला जाएगा। फिर एक बार और करता, इफ A2 इज ग्रेटर देन H, क्या A2 H से बड़ा है, अगर ऐसा है तो H में क्या चला जाएगा, A2 चला जाएगा, ओके। यही काम बार बार करूंगा, इफ डॉट डॉट डॉट, आपको कहां तक करना है, इफ मान लीजिए 10 एलिमेंट है, इफ A9 इज ग्रेटर देन H, इट मीन्स H इज इक्वल टू A of 9, ओके। ये चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी, तो क्या जरूरत है इतना बार लिखने का, आप एक शॉर्टकट देख सकते हैं क्या, आप देखिए हर चीज सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक यही इंडेक्स बदल रहा है, ओके। इसकी जगह शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं मैं, मैंने कहा भाई बार बार मत करना, इसे क्या मान लेना, आई, इफ AI इज ग्रेटर देन H, देन AI, AI H में चला गया, ओके। अब ये आई कहां से कहां तक होगा, ओके, फॉर आई बराबर, ओके, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हुआ था, ओके, पहले A1 के पास जाएंगे, A2 के पास जाएंगे, फिर A3 के, फिर A4 के, ओके। अगर आप चाहे तो 1 से अगर नहीं करना चाहे तो 0 से भी कर सकते हैं, क्यों 0 से कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले वाले से कंपेयर कराएंगे तो वो आपके ऑलरेडी आपके हाथ में है, उससे कंपेयर कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बड़ा नहीं है, आगे बढ़ ही जाएगा, ओके। तो पहले वाले से भी कंपेयर करा सकते हो, लास्ट 9 तक जा रहा हूं, I++, इसको बॉडी के अंदर रखते रहो, ओके। अब चलो ये चला कैसे होगा वो चीज ध्यान से देखो, पहले आई की वैल्यू 0, ओके, यहां 0 रखा होगा, A0 इज ग्रेटर देन H, अब H में है क्या, पहला वाला ही है, ओके, मान लो, ठीक है, ये 2 है, यही H में गया होगा, H में ये 2 है, अगर 2, ठीक है, मतलब ये 2, A0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 2, क्या सही है, नहीं है, I++, I की वैल्यू 1 हो गई होगी। अब अगली बार A1 अगला देखो, A1 क्या है, 7, ओके, H में कितना है, 2 है, क्या, तो 7 इज ग्रेटर देन 2, सही है, 7 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है, इसका मतलब तुरंत ये 7 किस में चला जाएगा, H में चला जाएगा, मतलब अब H में 7 चला गया, ये चला गया 7, H बराबर कितना हो गया, 7, ओके। अब इस नई वैल्यू को वो अगले से कंपेयर कराएगा, ओके, कैसे, ठीक है, लूप चला होगा, यहां देखो, ये करने के बाद I++, आई की वैल्यू A2 हो गई होगी, A2 इज ग्रेटर देन H, A2 पे कौन सा है, 5 है, H में क्या है, 7, तो 5 इज ग्रेटर देन 7, नहीं सही है, गलत है, ओके, तो गलत है, तो क्या ये करेगा, नहीं, सीधा कहां चला जाएगा, I++, ओके, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये देखेगा 3 इज ग्रेटर देन 7, अभी भी H7 ही है, 3 इज ग्रेटर देन 7, नहीं सही है, ओके, नहीं सही है, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया होगा, ओके, 7 के पास, 7 इज ग्रेटर देन 7, नहीं सही है, ओके, आगे बढ़ गया होगा, अब
11 इज ग्रेटर देन 7, सही है, सही होगा। तो तुरंत ये वैल्यू इसमें चली जाएगी, 11 हो जाएगा, एच की वैल्यू 11 हो गई, एच की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। ओके अब नेक्स्ट, 9 इज ग्रेटर देन, ये 7 9 के 11 हो चुका होगा, 9 इज ग्रेटर देन 11, नहीं सही है, पूरा एरे चल गया बाहर निकला, एच में जो सबसे लार्जेस्ट वही वैल्यू है, दैट इज योर 11, यही प्रिंट हो जाएगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। ओके चलो पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, मेन इन ए 10, एक आपका एच ले लेता हूं, एक आई ले लेता हूं। ओके सबसे पहले लिखा मैंने प्रिंट एफ इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे, एक मैसेज दिया स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए ऑफ आई, जब ए ऑफ आई आ गया तो 100% एक लूप चलेगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। ओके ये काम हो गया, ठीक है। सबसे पहले पूरे एरे को स्कैन कर लिया हूं, स्कैन करने के बाद ओके ये एच में सबसे पहला वाला एलिमेंट स्टोर कर लिया हूं, पूरे एरे में जा रहा हूं, देख रहा हूं क्या कोई और वैल्यू एच से बड़ी है जो पहले हमने उठाया है, क्या उससे कोई और वैल्यू बड़ा है, अगर है तो वो एच में चला जाए। ओके बाहर निकलने के बाद मैंने कहा भैया सबसे लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट बराबर परसेंटेज डी कामा एच, ये पूरा प्रोग्राम बन गया, आप इसे रन कराइए। 10 एलिमेंट दीजिए, कोई भी 10 एलिमेंट आप दे सकते हैं, इस पूरे एरे में से सबसे लार्जेस्ट वाला प्रिंट करेगा, दैट इज योर 67, लार्जेस्ट इक्वल टू 67, ये चीज। तो यहां पे 10 एलिमेंट्स के लिए आपने प्रोग्राम बनाया, लेकिन 10 एलिमेंट्स पहले भी बता चुका हूं कि 10 एलिमेंट्स के लिए प्रोग्राम बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फिक्स हो कि हर बार आपको 10 ही एलिमेंट्स देना है। ओके किसी ने कहा कि मैं 5 एलिमेंट देना चाहता हूं, तो यहाँ 5 करेंगे, जब यहाँ 5 करेंगे तो 100% यहाँ पे आपको लूप बदलना पड़ेगा। तभी किसी ने और कहा कि मुझे 15 पे करना है, तो इससे अच्छा क्या है एन पे बना लिया जाए, ए ऑफ एन। ओके लेकिन ये प्रोग्राम तब तक नहीं चलेगा जब तक आप एन की वैल्यू ना दें, तो सबसे पहले कहा एन और इसी की वैल्यू स्कैन कर लेंगे, एक मैसेज दे देता हूं प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने हैं वो बताइए और उसकी वैल्यू स्कैन करिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ये है आपका। क्या कहा कि सबसे पहले स्टार्ट करिएगा कि एन के लिए बना रहा हूं मैं, 10 के लिए नहीं बना रहा हूं, अगर 10 बनाना चाहे तो 10 के लिए बना सकते हैं। ओके तो अगर ए एन के लिए बना रहा हूं तो सबसे पहले एन की वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी, एन नाम का एक वेरिएबल लिया हूं उसकी वैल्यू स्कैन कर लिया, आप एन की वैल्यू 5 देंगे तो ये 5 ए 5 मतलब 5 ब्लॉक बनाएगा, 10 देंगे तो 10 ब्लॉक बनाएगा। ओके हाँ अभी एक जगह गड़बड़ क्या है, ये देखिए 9 तक नहीं जाएगा, तक कहां तक जाएगा एन माइनस 1 और ये भी कहां तक जाएगा एन माइनस 1। ओके रन कराइए, मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए कुछ पहले सबसे पहले क्या मैसेज आ रहा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताइए कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए, हमने कहा मुझे 5 एलिमेंट चाहिए। ओके अब यहाँ पे एक मैसेज गलत आ रहा है, यहाँ आना चाहिए इंटर 10 एलिमेंट्स की जगह आना चाहिए था इंटर 5 एलिमेंट्स। ओके तो ये क्यों 10 एलिमेंट्स आ रहा है, क्योंकि आपने मैसेज में लिखा ही है 10 एलिमेंट्स, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 दे तो 7 दे तो यहाँ 7 आना चाहिए, 10 दे तो यहाँ 10 आना चाहिए, तो ये किसकी वैल्यू है एन की ही ना, इसका मतलब परसेंटेज डी। ओके और उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे कामा देके लिख दीजिए कामा एन। ओके मतलब ये एन की वैल्यू यहाँ जाएगी, अगर 5 दिए तो 5 आएगा,
सात दियोगे तो सात यहाँ आ जाएगा, 11 दियोगे तो 11 यहाँ आ जाएगा, जो वैल्यू दोगे वही यहाँ एज इट इज दिखेगा। अब इसे रन कराते हैं, देखिए 7 इंटर 7 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सात एलिमेंट दिया मैंने, सबसे बड़ा बता दिया, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8, 8 सबसे बड़ा है। ये आपका लार्जेस्ट, अगर आपको एरे में से फाइंड आउट करना, ओके। अगर आप लार्जेस्ट निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल से एक और प्रोग्राम आसानी से बन सकता है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में ठीक है डिफरेंस यही है कि मान लीजिए आपके पास एक गत्ता है, उस गत्ते में से सबसे बड़ी वाली बॉल आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, उस गत्ते में जाएंगे, एक बॉल ले लेंगे और बाकी बॉल को निकाल के देखेंगे क्या इससे बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो इसे छोड़ के उस बड़े वाले को रख लेंगे हाथ में। फिर अगला निकालेंगे गत्ते में से, देखेंगे क्या उससे बड़ा है, उसे छोड़ेंगे, नया वाला रख लेंगे। ओके, तो बार बार आप बॉल निकालेंगे और देखेंगे जो निकाल रहे हैं वो क्या उससे बड़ा है, ओके, मतलब ग्रेटर देन। ओके, लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो बस आप जो हाथ में लिए हैं, ओके, जो हाथ में आपने पहला वाला लिया है, जब इस हाथ को आगे ले जाओगे ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट नहीं निकालना होगा, आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। मतलब आगे बढ़ोगे, देखो क्या छोटा है, छोटा है तो हाथ रख, पहले A1 अगर एच से छोटा है, A2 एच से छोटा है, A3 एच से छोटा, मतलब इस लेस देन, जहां ग्रेटर देन है वही लेस देन लगा दीजिए। ओके, हाँ, एक मैसेज बदलना पड़ेगा आपको, कहां पे जो यहाँ लार्जेस्ट लिखे हो उसकी जगह क्या कर देना, स्मॉलेस्ट। बाकी वही प्रोग्राम है, मैंने कहा 4 एलिमेंट है, -7, 9, 0, देखो सबसे छोटा कौन है, -7, इसमें सबसे छोटा क्या है, -7। तो दोनों प्रोग्राम सेम टू सेम है, बस इस जगह ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा तो लार्जेस्ट निकाल देंगे, और लेस देन का सिंबल लगाएंगे तो स्मॉलेस्ट निकाल देंगे। ये है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ एनी एरे। ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू एरे। सर ये बता चुका हूँ, एडिशन ऑफ टू एरे, हाँ ये हो चुका है, लीनियर सर्च हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च, तो कल मैंने बताया था ठीक है कि सर्चिंग आपके दो तरह के होते हैं, पहला होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है आपका बाइनरी सर्च। ओके, देखिए लीनियर सर्च मतलब सिक्वेंशियल, वन बाय वन कंपेयर करो, ठीक है, मतलब देखो है कि नहीं है, है नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है, बढ़ते जाओ। ओके, ये बाइनरी सर्च क्या कहता है, क्योंकि हम वन बाय वन कंपेयर नहीं करेंगे, हम कूद कूद के करेंगे, तो कूदने का कोई तरीका दिया गया होगा। ओके, क्या कहता है बाइनरी सर्च, ये समझ, क्योंकि आपको एक एरे दिया जाएगा, सपोज कूदना कैसे है वो हम बताएंगे, जो हमारा तरीका है कूदने का, ठीक है, उसका एक एल्गोरिथम है, वही एल्गोरिथम फॉलो करना है। मान लीजिए एरे है आपको, इसमें कई सारे एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से देखना है कि हम आपको एक एलिमेंट दे रहे हैं वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन बाइनरी सर्च का प्रयोग करना, यूज किसका करना है, बाइनरी सर्च का। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहली बात मैं कल बताया था कि बाइनरी सर्च तभी कर सकते हैं जब ये सॉर्टेड हो, सॉर्टेड का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्टिंग होना चाहिए इस पे, ओके, तभी आप बाइनरी सर्च लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। ओके, अगर नहीं सॉर्टेड है तो सॉर्टिंग करिए आप। ओके, सॉर्टिंग के भी प्रोग्राम होते हैं, एल्गोरिथम होता है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब भी आपको पढ़ना है, व्हाट इज सॉर्टिंग, ठीक है, एंड एल्गोरिथम ऑफ सॉर्टिंग्स। सॉर्टिंग बाद में देखेंगे, अभी जान लो असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, क्या कहता है बाइनरी सर्च, अगर ये सॉर्टेड है तो कैसे सर्च करेंगे, वो चीज ध्यान से देखो, कहता क्या है, जो पहला नंबर है 0 से स्टार्ट होता है, मान लो 9 तक है, 10 एलिमेंट्स टोटल है,
तो पहले वाले को मान लो ये बिगिनिंग है, पहले वाले को क्या मान लो, वो बिगिनिंग है, और लास्ट वाले को क्या मान लो, ये एंड है। ओके पहले वाले को मान लिया ये बिगिनिंग है, और लास्ट वाले को क्या मान लिया, ये एंड है। हो गया। अब क्या कहता है, ठीक है, ये एज्यूम करने के बाद कि फर्स्ट जो इंडेक्स है वो बिगिनिंग है, और लास्ट वाला इंडेक्स जो है मिड एंड है, आप इसका सेंटर निकालिए, और सेंटर का मतलब मिडिल निकालिए। मिडिल कैसे निकलता है, जो बिगिनिंग इंडेक्स है, बिगिनिंग प्लस एंड दोनों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद उसे दो से डिवाइड कर दीजिए। ओके चलो कर लेते हैं। बिगिनिंग 0 है, एंड 9 है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4.5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लो ये है 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9। हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4.5 आएगा, लेकिन इंटीजर है तो केवल क्या रहेगा, 4 रहेगा, मतलब ये हो गया मिडिल, ये क्या हो गया मिडिल। तो पहला तरीका क्या कहा इसने, कि बिगिनिंग पहला इंडेक्स है, एंड लास्ट इंडेक्स है, मिडिल निकाल लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे, तो इंटीजर वैल्यू केवल कंसीडर करना। ओके वही मिडिल है, मिडिल मतलब बीच वाला। ओके ये बीच वाला आपका निकल गया। ओके अब मान लो, ठीक है, एलिमेंट हम दे दे रहे हैं, सपोज 2, 3, 7 या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, ये हो गया 10, ये हो गया 11, यहां पे 12 है मान लीजिए, और ये हो गया 13। ओके मिडिल मैंने निकाला। ओके मिडिल किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाली वैल्यू को ढूंढना किसे है, इसे। अब मिडिल निकालने के बाद सबसे पहले चेक करो जो मिडिल पे एलिमेंट है, मतलब ए मिडिल की जो वैल्यू है, और जिसे तुम सर्च कर रहे हो, जो तुम सर्च कर रहे हो, अगर दोनों सेम है, इफ, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। ओके समझो, बिगिनिंग एंड, ठीक है, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, मिडिल निकला। देखो जो मिडिल पे है, जो भी ए मिडिल की वैल्यू है, और जो ढूंढ रहे हो, क्या दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो चुपचाप लिख दो प्रेजेंट, काम खत्म। ओके सिर्फ चाप लिख दिया प्रेजेंट है, इसका मतलब सॉर्टिंग सर्चिंग खत्म हो गया मेरा। ओके अब देखो कितना मिनट लगा, सिर्फ एक बार में ही ढूंढ लिया। ये कैसे, देखो पहले मिडिल निकाला होगा, तुरंत उसी मिडिल पे उसको आपको एलिमेंट मिल गया, लेकिन अगर यही लीनियर सर्च से अगर मैं करता तो पहले इससे कंपेयर कराता, फिर इससे कराता, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से। ओके मतलब अगर एक एक सेकेंड भी लगता तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकेंड बाद ये बताता कि प्रेजेंट। लेकिन इस केस में केवल एक बार मिडिल निकाला है, मान लो 1 सेकेंड लगा होगा इसको निकालने में, तुरंत कंपेयर करेगा मिडिल से, 1 सेकेंड में बता देगा ये प्रेजेंट, सिर्फ 1 सेकेंड में बता देगा। लेकिन ये तो तब की बात हुई ना, कि जब मिडिल पे है एलिमेंट, जरूरी थोड़े है कि आप मिडिल, मान लो आपको 10 ढूंढना होता, या मान लो आपको 5 ढूंढना होता, तब तो नहीं मिलता ना। ओके तब तो ये गड़बड़ हो गया। 7 ढूंढना होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, मिडिल पे निकला, ठीक है, मिडिल वाला ही आप ढूंढ रहे थे, वही मिल गया, काम खत्म। लेकिन अगर 5 ढूंढना होता या 10 ढूंढना होता तब तो मिडिल में होता नहीं, तब कैसे ढूंढते। अब ध्यान दो, ये क्या है, सॉर्टेड है, ये क्या है बेटा, सॉर्टेड है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और मान लो मैं 10 ढूंढ रहा हूं, मैं पहले 10 की बात कर ले रहा हूं, 10 ढूंढ रहा हूं, ओके तो जो मिडिल वाला निकला है, मान लो यही मिडिल है, ओके 10 अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो 10 कभी भी इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी भी 10 इस साइड हो ही नहीं सकता, 10 हमेशा इसी साइड होगा। ये मेन पॉइंट है इसका एल्गोरिथम, ये चीज समझना, उसके बाद ये बहुत आसान एल्गोरिथम। ओके, तो अगर हमने कहा जो चीज हम सर्च कर रहे हैं, मान लो हम जो सर्च कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर है ए मिडिल से, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि जो चीज ढूंढ रहे हैं वो ए मिडिल से बड़ा है, मतलब मैं 10 ढूंढ रहा हूं, मिडिल पे 7 है और जो ढूंढ रहा हूं वो इससे बड़ा है, तो अगर बड़ा होगा तो 100% वो इसी साइड होगा, इस साइड हो ही नहीं सकता। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो चीज सर्च कर रहे हैं वो बड़ा नहीं है, जो मिडिल में उससे छोटा है, अगर छोटा है ठीक है तो वो उस साइड नहीं हो सकता, वो केवल इस साइड होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो सेंटर में मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो या तो वो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। ओके, ग्रेटर मतलब जो सेंटर में है उससे या तो वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो राइट हैंड साइड होगा। ओके, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड कब होगा, वो चीज ध्यान से, अगर आप जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं